चल नहीं पाता है, इतने छोटे छोटे बच्चे, उनको इंसाफ चाहिए, आरोपी को सामने लाया जाए। हम यहाँ से हटेंगे नहीं, नहीं हटेंगे। और उनके भाई निहाल अहमद अब्दुल सत्तार, उनको देखने धुलिया गए वहाँ से, टेंशन से वो मर गए, सब इंतकाल हो गया। क्या मामला था ये? मामला दूसरों का झगड़ा था, ये छुड़ाने गए तो इनके सिर में पीछे से वो मार दिए, पीछे ये नहीं मारा। वो लोग मारे है, वो लोग बोलते कानून हमारी जेब में है, तो हमारे जेब में पैसा नहीं है, मगर हम ये रोल छेड़ने की ताकत रखते हैं, हम ये रोल छोड़ेंगे नहीं। क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए, आरोपी को सामने लाए, आरोपी को जमा करो, और कुछ नहीं चाहिए हमें। ये बच्चे को, इसको इंसाफ चाहिए। देखो ये कितना छोटा बच्चा है। पुलिस ने आप कंप्लेंट कराए थे पहले? कराए थे। सुनो, ईद के रात में 22 अप्रैल को किया था। इनका भाई खुर्शीद अहमद है, उनके ऊपर उल्टा क्यों पुलिस ने केस कर दिया? नबी अहमद के भाई लोग के ऊपर कुछ नहीं हुआ है। अभी हमको आरोपी चाहिए, नहीं जब तक नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, ये लाश यही रहेगी। 22 अप्रैल की रात में, 22 अप्रैल की रात को हुआ ये केस। जब से दवा खाना लेके चल रहे समझो भाई, 5-6 दवा खाना हो गया, कितना रुपया, लाखों से रुपया लगा चुके हैं, कौन देंगे उनका? ये उनका हक दो, और गरीब इंसान, गरीब है सब वही करने आए। लूम चलाते थे लूम पावर लूम। इसी मामले के अंदर इनके भाई का भी इंतकाल। हाँ, आप बिंदा 15 दिन हुआ वो धूलिया गए, तो उनको देखने वहाँ से देख के आए ना, तो टेंशन लिया, उनका भी इंतकाल हो गया। मेरा नाम शफीक अहमद इकबाल अहमद है, और जो मरहूम है ये एक बॉडी है यहाँ पे, उसका नाम सईद अहमद अब्दुल सत्तार है, ये मेरा खाला जात भाई है। ईद की छुट्टी में नबी अहमद के खाला जात भाइयों ने इन पर जानलेवा हमला किया। उस वक्त हम इसको लेकर के पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन गए थे। पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में हमारी कंप्लेंट तो ली गई, लेकिन पुलिस ने उस वक्त दफा 324 के तहत से वो कार्रवाई यानी खाना पूरी की, अभी तक आरोपी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। हम उस दिन से मुतालबा कर रहे हैं पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन से कि देखो इसकी मार दिमाग की मार है, जब से पेशेंट कोमा में है, आप दफा 307 के तहत कार्रवाई कीजिए। लेकिन वो बड़े लोग थे, पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के PI ने कोई ध्यान दिया नहीं, और आज वो मालेगांव धुलिया जहाँ हमारी बस था, हमने वहाँ ले आके इलाज कराया, उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बचा, आज उसकी डेड हो गई है। अब हम यहाँ बैठकर जो एहतजाज, हमारा जो एहतजाजी मुतालबा है वो ये है कि यार कानून के मुताबिक अब उन आरोपियों के ऊपर दफा 307 भी नहीं, दफा 302 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और पवारवाड़ी PI का तबादला होना चाहिए, और गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए। और जब तक हमारे मुतालबात आला अफसरान कबूल नहीं करेंगे, हम यहाँ से बॉडी को नहीं उठाएंगे। कौन हो आप? मैं बॉडी का खाला जात भाई हूँ।